देखिए मेरी मशरूम दो प्याज़ा की सब्ज़ी कितनी बड़ी बढ़िया लाजवाब बनके तैयार हुई है, इसका प्रोसेस क्या है आगे वीडियो। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में मशरूम दो प्याज़ा बनाने जा रही हूँ। तो मशरूम है एक पैकेट, उसको ब्लांच करके मैंने काट लिया है, और ये प्याज है दो प्याज़ा है, इसलिए इसमें चौड़े चौड़े पेटल्स एक छोटे प्याज का अलग अलग करके रख लिया है। और इसके अलावा देखिए एक प्याज मैंने काटा है, इन सब का पेस्ट बनाऊँगी। टमाटर दो हैं, अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, 8-10 कली लहसुन है, और एक हरी मिर्च है। और आपको ज़्यादा तीखा खाना हो तो और आप डाल सकते हैं, मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी, उससे कलर बहुत अच्छा आता है लेकिन वो तीखा नहीं होता। लेकिन आपको ज़्यादा तीखा जाना है तो आप दो मिर्च डाल सकते हैं, हमने एक डाली है। और प्याज है, लहसुन है, अदरक है, टमाटर, इनका एक पेस्ट बनाऊंगी और इसको ब्लांच कर लिया, ये काटा। और कैसे बनाओ, सूखे मसाले जो डालने वो मैं डालूंगी और मैं आपको बताऊंगी। मशरूम दो प्याज़ा बड़ी टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। ये देखिए मैंने तेल डाल दिया है, और उसमें पहले ये जो चौड़े चौड़े मैंने प्याज के पेटल्स अलग किए हैं, इसको फ्राई करके, क्योंकि दो प्याज़ा बन रहा है तो प्याज ज़्यादा पड़ेगा, तो एक प्याज तो मैंने पीस लिया है टमाटर के साथ अदरक। अब चाहे तो जो प्याज मैंने पीसा है उसको ना पीस के छोटे छोटे महीन काट के बारीक काट के भी डाल सकते हैं, टमाटर अदरक और लहसुन मिर्च को अलग से पीस सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को एक साथ ही पीसा है। वो ईजी मेथड है, आसान मेथड है, आसानी से बन जाएगा। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके थोड़ा सा जब गुलाबी हो जाएगा उसको निकाल लेंगे, फिर इसी में वो और आगे का प्रोसेस ग्रेवी कैसे बनाना है वो बताएंगे। देखिए अब ये पेटल्स मेरे ट्रांसपेरेंट हो गए, बस अब निकाल लिए। देखिए मैंने तेल इसमें से आधा निकाल लिया है, और अब थोड़े से तेल में 1 टेबलस्पून से अब इसमें एक बे लीफ डाल दी है, ये जीरा डाल रही हूँ, और ये लौंग, ये मैंने लौंग दालचीनी और छोटी इलायची को कूट लिया है, इसको भी इसी में डाल देंगे। उसके बाद वो पेस्ट में सारे मसाले, और अब इसको ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको इसी के साथ भूनेंगे। मैंने खड़ा मसाला जो डालना था वो डाल दिया, जीरा, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता, अभी इन सबको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल पेस्ट डाल दिया है, खड़े मसाले थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डाल दिया है। अब इसमें सूखे मसाले में भुना जीरा 1 चम्मच, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, वो केवल कलर के लिए होती है, और ये थोड़ा नमक, हल्दी, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, सब 1-1 चम्मच 1 टीस्पून से, और सब्ज़ी मसाला बस डाल दीजिए, और यही सूखे मसाले डाल के और खूब अच्छी तरह भूने। जब तेल सेपरेट होने लगे तब इसमें मशरूम डाल के भून लीजिए, और भूनने के बाद आप ग्रेवी जितना गाढ़ी रखनी हो उस हिसाब से पानी डालिए, और लास्ट में वो जो फ्राइड मैंने प्याज के पेटल रखे हैं वो मिलाना है। ये देखिए एकदम इतना बढ़िया इसका कलर आया है ग्रेवी का। देखिए तेल एकदम चारों तरफ से, देखिए कढ़ाई में अलग होने लगा है, आपको ध्यान, देखिए इस चारों तरफ से अलग होने लगा है। अब इसमें मशरूम डाल देंगे, ये मशरूम मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया था, और इसको ब्लांच करके ही डाला करें, मशरूम तभी अच्छा होता है। अब इसको इसके साथ इसको पकने देंगे, ये जब उसके बाद, और नमक एकदम स्वाद के अनुसार डालें, आपको जितना नमक खाते हैं आप लोग उस हिसाब से डालें। अब इसको ढक देंगे और उसको पकने देंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत पतली इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम थोड़ा पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से पकने देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, इसको पानी डाल देंगे और ढक देंगे, स्लो फ्लेम करके उसको ढकने देंगे, जब मशरूम अच्छी तरह से पक जाए, और तब उसके ऊपर पेटल्स डालें और ऊपर से हरा धनिया, और उसको सर्व करें। ये देखिए मेरी मशरूम दो प्याज़ा की सब्ज़ी, मतलब ऑलमोस्ट मशरूम पक गया है, और इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। ऐसे ही ग्रेवी, थिक ग्रेवी रखेंगे, इसको पतली ग्रेवी नहीं रखते हैं। और इसी में जो प्याज के पेटल्स मैंने
तल के रखें, इसको मिला देंगे बस, और इसको गर्मा गर्म धनिया के साथ सर्व करेंगे हर गर्म। और इसको कैसे सर्व करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने प्याज मिला दिए हैं, मशरूम दो प्याजा की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार है। दो प्याजा की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लाजवाब बन के तैयार हुई है, और इसके ऊपर से मैंने धनिया से गार्निश किया है। आप चाहें तो ऊपर से मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी हैवी हो जाती है इसलिए मैंने ही डाला, या फिटी हुई दही एक चम्मच ऊपर से डाल सकते हैं, और वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं डाला है क्योंकि उसको डालने से बहुत रिच हो जाती है। जब डेली यूज़ में खाना है तो ऐसे ही सिंपल इजी मशरूम दो प्याज़ा की सब्ज़ी। तो कैसी लगी ये मेरी सब्ज़ी, कैसी लगी इसको कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।